जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। द हिंदू में रोज़ एक ऐसी टर्म आती है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और द हिंदू में वही टर्म आती है जो न्यूज़ में चल रही होती है, और यूपीएससी भी वैसी ही टर्म्स पूछते हैं जो न्यूज़ में चल रही होती है। अगर आपने यूपीएससी के पिछले पेपर्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी में अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ये जो टर्म है काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, इसका मतलब क्या है। तो हमें जो भी टर्म्स न्यूज़ में चल रही होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में हम उसका आंसर जो है वो दे पाए। तो एक ऐसी ही टर्म जो द हिंदू में आई है वो है बेटर रीच लॉ ऑफ हेडलाइंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और न्यूज़ में भी चल रही है। अब इसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। अब आपने संजू मूवी अगर देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन मार्क की वजह से होता है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क की वजह से पैदा होते हैं। जैसे एक न्यूज़ थी जो संजय दत्त के फादर हैं वो देखते हैं कि संजय दत्त इज़ फिनिश्ड, उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो कहते भी हैं कि क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो, जब आप इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो आप फुल स्टॉप लगाइए। और उसके बाद RDX ट्रक एट दत्त हाउस, उसके बाद भी एक क्वेश्चन मार्क होता है जिस वजह से उनका जो दोस्त है वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमने संजू मूवी में देखी है, और वो कितनी सही है वो कितनी गलत है इसमें हमें जाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या रिलेवेंस होता है। जो भी ऐसी हेडलाइंस आती है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका जवाब किस तरीके से निकल कर आता है, वही ये बेटर रीच लॉ ऑफ हेडलाइंस जो है वो हमें बताता है। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो शुरू करते हैं। अब बेटर रिच लॉ जो है ये कहता है कि कोई भी हेडलाइन जो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रही हो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है RDX ट्रक एट दत्त हाउस, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसी कोई भी हेडलाइन जिसके आगे क्वेश्चन मार्क हो उसका जो जवाब रहेगा वो नो रहेगा। मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमने जो संजू मूवी है उसमें देखा था, जो पहला हमने क्वेश्चन मार्क देखा था वो ये न्यूज़ थी कि संजय दत्त फिनिश्ड, उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। तो इस तरीके की कोई भी हेडलाइन होती है तो उसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा नो। मतलब जो ये हेडलाइन छपी है कि संजय दत्त फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क, तो इसका जवाब रहेगा नो, ही इज़ नॉट फिनिश्ड। तो इस तरीके से मूवी में भी उसी तरीके से दर्शाया गया है, और जो बेटर रिच लॉ है ये भी यही कहता है कि ऐसी कोई भी हेडलाइन जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क हो उसका जवाब यूजुअली नो ही होता है। मतलब इन अदर वर्ड्स, द आंसर टू क्वेश्चंस पोज्ड इन द हेडलाइन ऑफ न्यूज़ आर्टिकल इज़ यूजुअली अ नो। कोई भी हेडलाइन में अगर क्वेश्चन मार्क आता है, अगर वो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो उसका जवाब नो ही रहेगा। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं यूजुअली क्वेश्चंस द कंटेम्प्रेरी पब्लिक नॉलेज और ओपिनियन ऑन सर्टेन इश्यूज एंड ट्राई टू रिफ्यूट देम। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जो हेडलाइंस होती है, ये पब्लिक नॉलेज और ओपिनियन को लेने के लिए होती है और फिर उसके बाद उन्हें रिफ्यूट करने के लिए होती है। अब बेटर रिच लॉ जो है ये किसने लाया है, ये किसने कॉइन किया था, तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है यान बेटर रिच, इन्होंने ये जो वर्ड है बेटर रिच लॉ ऑफ हेडलाइंस ये लाया था और ये पॉपुलराइज किया था। सिमिलरली एक हिंकलिफ रूल है जो एक ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर फिजिस्ट जो थे यान हिंकलिफ, उन्होंने ये टर्म लाई थी जो ये स्टेट करती है कि कोई भी हेडलाइंस ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स दैट आर पोज्ड टू क्वेश्चन कैन यूजुअली बी एंसर्ड विथ नो। ऐसी कोई भी हेडलाइन जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब में हम नो ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से रिलेवेंस आता है। अभी जैसे संजू मूवी जो है काफ़ी कमा रही है तो उसके रिलेवेंस में ये जो टर्म है वो लेकर आ गए हैं। तो इस तरीके से जो भी टर्म न्यूज़ में होती है, अब आपको UPSC में संजू मूवी के बारे में नहीं पूछेंगे लेकिन ये टर्म के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टर्म न्यूज़ में आ जाती है अपने आप, क्योंकि संजू मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा कमा रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मूवी भी
हमें यूपीएससी में क्वेश्चन जो है वो दिला सकती है, और अगर हम ध्यान से ध्यान लगा कर अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उसका भी जो जवाब है वो आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।